आधा छोड़ के आ गए। It was very nice. Ranbir was very nice. Any dialogue? No. Hello. Out of five. Four. Four. It was a good movie. It is more like kids would like it. It's a good movie overall. रणबीर की एक्टिंग अच्छी थी, रणबीर और कटरीना दोनों की एक्टिंग अच्छी थी। सेकेंड हाफ ज़्यादा अच्छा था मूवी का, डायलॉग याद नहीं है कोई। म्यूजिक इज़ टू गुड, द फर्स्ट सॉन्ग म्यूजिक 5 out of 5। समथिंग न्यू म्यूजिकल था मूवी, आई रेट आउट ऑफ 3। एक्टिंग गुड, सेकेंड हाफ इज़ वेरी गुड। अच्छी थी, स्टोरी थोड़ा मतलब फनी टाइप्स था, लाइक पूरा मूवी सॉन्ग में एक डिपिक्ट किया है तो लाइक इट वाज गुड, समथिंग इनोवेटिव। एक्टिंग स्किल्स मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है एक्चुअली कैटरीना की। 3 इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक नहीं है, है लेकिन एकदम बचपन आया फिल्म, मतलब नहीं है इतना अच्छा नहीं है मूवी। क्या 2 2 स्टार। स्टोरी कुछ नहीं, बचपन आया सब कुछ। मूवी अच्छी थी, बहुत अच्छी, सॉन्ग अच्छे, स्टोरी अच्छी है, स्टोरी टेल सब अच्छा है। आई थिंक एक्टिंग अच्छी है रणबीर कपूर की, वो भी अच्छी। मूवी वाज गुड, या आई थिंक द एक्टिंग वाज आल्सो गुड। यस, no, I don't think the movie was about songs, it was more about the, you know, the son trying to find his father, so called father. Good. I think 3.5. Good. Ranbir is awesome. Story is about him finding his father, basically him being a detective. 4. Ulu ka patta. मस्त मूवी, अच्छी है, सस्पेंस भी अच्छा था, आखिर में खत्म होते सिद्दीकी निकला, खत्म होते सस्पेंस की जगह है मूवी, लास्ट काफी अच्छा है और रणवीर और की एक्टिंग भी ज्यादा अच्छी है, अच्छी लगी, बहुत क्यूट है। कोई गाना या कुछ कोई साफ का गाना, हैप्पी बर्थडे वाला उसका जो हैप्पी बर्थडे रहता है ना रणवीर से का, गलती से मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक, वो अच्छा लगा। वो एक स्टेप करके नहीं 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 हम लोग डांस नहीं है, थोड़ी अच्छा है वो, अपने पापा को सर्च करने निकलता है, मतलब उसको अडॉप्ट करते हैं उसका बाप, उसको अचानक में मिल जाता है तो फिर वो उसको पालता है, फिर अचानक में एक दिन गायब हो जाता है वो, उसको हॉस्टल में आके 5 में से 3.5। 4 डायलॉग फीचर अकेला रहता है ना, वो तो सिर्फ गाना गाता है, डायलॉग की बात ही नहीं है। अच्छे 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 अच्छे, रणबीर कपूर की एक्टिंग और नहीं, वो एक्टिंग नहीं कर पाती है, अच्छा नहीं, 4 डायलॉग तो उसका हक ला के गाता है, गाने के साथ तो डायलॉग याद नहीं होगा। एक चीज़ बेकार लगी उसमें, गाना बहुत ज़्यादा दे दिया है, मतलब होता है ना सब चीज़ गाने में बोलते हैं ना तो थोड़ा हेक्टिक लगता है, थोड़ा इरिटेट होता है गाने की वजह से। उसको एक्टिंग नहीं आती इसलिए नहीं अच्छी लगी, उसकी जगह दीपिका होती तो और बेटर करती। अच्छा था नहीं नहीं अच्छा था, अच्छी मूवी। सर एक्टिंग इज रणवीर इज द बेस्ट एक्टर इन दिस ऑन जनरेशन, आई थिंक मूवी तो बेस्ट है। स्टोरी क्या है, वो जो उनके डैडी के मतलब ठीक ही था सर, अच्छा ही था। कैटरीना का तो एक्टिंग, वो हमेशा तो उनका अलग ही रोल रहता है, हीरोइन तो अलग ही एकदम हॉट है। तो और क्या बोलना, पिक्चर की सॉन्ग्स भी ऑसम, ठीक था। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, ये मूवी है सर, एक्टिंग जो स्किल्स है इज द बेस्ट एवर ऑन दिस एंड सर, थैंक यू, आई गिव 5। बेस्ट सीन सर वो जो उनके डैडी के जो ढूंढने के लिए जाते हैं एक्टिंग स्किल जो ट्रेन में, वो बेस्ट सीन था सर। सर सर ठीक था यार, मतलब म्यूजिकल एक्चुअली था लेकिन फर्स्ट हाफ ठीक था, अच्छा था एक्चुअली। कैटरीना एक्टिंग तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, रणबीर की एक्टिंग अच्छी है, म्यूजिकल अच्छा है, सॉन्ग्स वेर नाइस, बट ठीक है, अच्छा मूवी। स्टोरी तो है अच्छी है स्टोरी, मतलब इस कॉपी ऑफ टिंटिन आई थिंक, टिंटिन जैसा ही है। 5 अभी फर्स्ट हाफ में तो बोल, सेकंड हाफ के लिए बोल नहीं सकता, लेकिन 3 3.5 मैक्स।
डायलॉग यार नहीं याद है। थैंक्स।